जो नहीं चाहते कि ये प्रजातियाँ एक्सटिंक्ट हो जाएं, लेकिन वो जो एक्सटिंक्ट होने के सबसे करीब हैं, वो थी ये सुशी सर्व करने वाली मर्मेड्स। मर्मेड्स और सुशी, ये है लग्जरी। मर्मेड्स, क्या तुम्हें सुशी चाहिए? मैं मना नहीं करूंगी। क्या ये कैनिबलिज्म है? हाँ। ये एक फैमिली रियूनियन है, जल्दी यहाँ आ जाओ। इस आइलैंड पर करने के लिए इतना कुछ है कि हम सब कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। हमने खेला टेनिस, बास्केटबॉल, हम यहाँ के एक और मैंशन में भी गए थे। मैंने ठंडे पानी के टब में डुबकी लगाई, आप समझ ही गए होंगे। यहाँ करने के लिए इतना कुछ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ हवा कुछ ज्यादा ही तेज है। हाँ, मुझे तो यार डर लग रहा है। जानते हो इससे डरावना क्या है? क्या? आखिरी आइलैंड, आपसे वहीं पर मिलूंगा। तो हम अभी यहाँ क्यों हैं? 250 मिलियन डॉलर्स वाले आइलैंड पर जाने से पहले हम शार्क से भरे पानी के यहाँ रुके, ताकि मैं इस वीडियो को बनाने के पैसे चुका सकूं। और अब मैं शार्क से घिर चुका हूँ, जो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको स्टंबल गाइस के बारे में बताता हूँ। ये मेरे बहुत करीब है, और बुरी बात यह है कि ये ऐड खत्म होने तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। स्टंबल गाइस एक फ्री टू प्ले मोबाइल गेम है, जहाँ 32 लोग क्राउन के लिए कम्पीट करते हैं। ये करने के लिए आपको पूरी तरह पागल होना होगा, यहाँ तक कि स्टंबल गाइस भी मुझे ये नहीं करवा सकते। तुम शार्क यहाँ पर क्यों आए हो? ओह, ये सब मेरे बहुत करीब है। और इस नए सीजन के लिए वो ला रहे हैं ब्रांड न्यू मिस्टर बी स्किन्स, एनिमेशंस और इमोट्स। मुझे यकीन नहीं होता ब्रो, ये पागलपन। मैं चाहता हूँ जिमी ज्यादा शार्क्स देखे। उन्होंने एक ब्रांड न्यू लेवल भी ऐड किया है, जहाँ आपको जिंदा रहने के लिए एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, और वक्त के साथ साथ वो और मुश्किल होता जाता है। ओह, ये शार्क्स मुझसे टकरा रहे हैं, ये पिंजरे को ठोकर मार रहे हैं। ओह, ये हिल रहा है, ये काफी डरावना है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अभी अभी अपना नया टूल किट भी निकाला है, ताकि आप खुद का मिस्टर बीस लेवल बना सके। ये बेस्ट सीजन है अब तक का, आपको मेरा नया मिस्टर बीस लेवल ट्राई करना ही होगा, और खुद का भी बनाना। मैं देखूंगा कि आपने क्या क्या बनाया है। ओह, ये तो पिंजरे को ठोकते ही जा रहे हैं, मुझे बाहर निकलना चाहिए। स्टंबल गाइस को फ्री में डाउनलोड कीजिए, ताकि मुझे शार्क केज में वापस ना जाना पड़े। जिंदा हो। चलो कुछ ऐसा करें जिसमें शार्क्स इन्वॉल्व ना हो, प्लीज। और अब जब मैंने इस वीडियो का कर्ज चुका लिया है, चलिए चलते हैं 250 मिलियन डॉलर की कीमत वाले इस आइलैंड पर। ये है 250 मिलियन डॉलर्स का प्राइवेट आइलैंड। इस कमाल के आइलैंड पर एक पूरा अम्यूजमेंट पार्क है, जहां एक दर्जन से भी ज्यादा वाटर स्लाइड्स हैं। इस आइलैंड के पास अपना हॉट एयर बलून है, और हर वो एक्टिविटी जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारा है। यहां और कोई गेस्ट नहीं है। लेकिन अब तक आपने इन आइलैंड्स पर जो भी फीचर्स देखे हैं, उनमें से ये आइलैंड सबसे ऊपर है। इस आइलैंड के बीचों बीच है एक बड़ा सा वाटर स्लाइड। हालांकि 8 साल के बच्चे तक इस राइड की सवारी कर चुके हैं, शायद मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन इस वाटर स्लाइड पर जाने से पहले हमने यहाँ की बाकी सुविधाएं देखी, जैसे कि इस आइलैंड पर 100 से भी ज्यादा जेट स्कीज हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? और तो और, यहाँ है जिप लाइन्स, जो आपको इस मैन मेड बीच के उस पार ले जाएंगी। ये हेलमेट किस लिए है? मैं किससे टकराने वाला हूँ? जमीन से, और क्या। क्या कभी कभी लोग गिर जाते हैं? वाकई में डरावना है। थैंक यू। मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। कमाल का है। इसमें इतना भी मजा नहीं आ रहा। अगर आपके पास ये आइलैंड है, तो आप अपने 13,000 से भी ज्यादा दोस्तों को यहाँ बुला सकते हैं, और इन 5 विशाल पूल्स में से कहीं भी पार्टी दे सकते हैं। इसे देखकर लगता है कि इसे माइनक्राफ्ट में बनाया गया था, और इसमें अपने 2 दोस्तों को देखकर बहुत हंसी आ रही है। नोलन एक शक्कर के दाने जितना दिख रहा है। 250 मिलियन डॉलर्स में इस आइलैंड पर बहुत से एग्जॉटिक एनिमल्स हैं। क्या ये एक पीकॉक है? सर, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। सर, और हर वो गेम जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। अरे यार, मैं चाहता हूँ कि वो 13,000 लोग यहाँ आकर देखें कि ये खेल में कितना बुरा है। क्या ये सॉकर पूल है? इस आइलैंड पर ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की कि इस आइलैंड पर बस हम 4 लोगों के हिसाब से कुछ ज्यादा ही लाइफगार्ड्स हैं। इस आइलैंड पर कितने लाइफगार्ड्स हैं? 100 से ज्यादा। इतने लाइफगार्ड्स हैं तो आपको डूबने में मुश्किल होगी। तो मैंने सोचा कि इन्हें एक दिन की छुट्टी दे दी जाए। क्या पहले कभी किसी ने इस पूरे आइलैंड को रेंट किया है? कभी नहीं। वाओ, हम लोग पहले हैं। दोस्तों उल्टे बैठे हो यार, कुछ ज्यादा ही रिलैक्स लग रहे हो। सारे के सारे लाइफगार्ड्स नीचे जाने के बाद, हमारी बारी आने पर उन सब ने मिलकर हमें चीयर किया। बॉयज, तुम्हें पता है इससे भी डरावना क्या है? क्या वो, ये रात में इतना डरावना क्यों लग रहा है? बहुत डरावना दिख रहा है। तो कहीं और चले। इसकी ऊंचाई है पूरे 135 फीट। ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी वाटर स्लाइड है। मुझे पता भी नहीं कि मैं क्या देख रहा हूँ। ये एक स्काई स्क्रेपर की तरह है। लेकिन मैं डरा हुआ हूँ। डेयर डेविल्स पीक, कितना प्यारा नाम है। हाँ, बहुत अच्छे। हम कितने ऊपर है? मुझे तो डर लग रहा है। ठीक है, हम ऊपर तक पहुँच गए। आप लोग हमारा इंतजार कर रहे थे? हाँ। आप यहाँ की तेज हवाओं को भी सुन सकते हैं। ओह, नीचे मत देखना। देखो आइलैंड कितना शानदार लग रहा है। ओह माय गॉड। हे कार्ल। नहीं। ओह नोलन। ओह, अब बोलो नोज गोज इज इनफोर्सिबल। ओके बाय। अब तो तुम्हें जाना ही होगा नोलन। आई लव यू मॉम। मैं दूसरी तरफ मिलूंगा। ठीक है, जाओ। या!
कितना जोर का झटका। तैयार हूँ। मेरे बाद तुम भी आ जाना नीचे। ठीक है। ओ गॉड, क्या ये सच में इतना डरावना है? मैं ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ, हालांकि मुझे बड़ी राइड से डर लगता है। चला। ये राइड कितनी तेज है। और हालांकि मैं इस वाटर स्लाइड में नीचे आते वक्त डूबते डूबते बचा, मुझे मानना पड़ेगा ये पूरा आइलैंड वाकई में बहुत जबरदस्त था।